कि नीतीश कुमार को तो बद्दुआ लग जाएगा अब राजनीति में। बद्दुआ लोकतंत्र का हत्या हो गया आज। लोकतंत्र में यही होता है, हमको प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है क्या? हम प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण, मेरा एक कार्यकर्ता भी कहीं नहीं है। आप साहब चौराहा पे ठोक दिए पकड़ के, तो शांतिपूर्ण रूप से अपने मार्च को ले जा रहे थे, मेरे रूट को बदल दिया गया साजिश करके, और उस रूट को बदल करके चारों तरफ से घेर करके कार्यकर्ताओं को मारा गया। हमारे दो कार्यकर्ता गए हैं, इसका खामियाजा बहुत गंदा भुगतना पड़ेगा, ये याद करना नीतीश कुमार। अन्य मार्ग में बैठा रहता है, पुलिस को वहाँ खड़ा करके महिला को कहता है कि हम महिला के बहुत बड़ा समर्थक है, अब महिला का कपार फड़वा रहा है। ये तो जो कहा था वो करिए दिया, महिला के कपार फड़वा दिया। अरे विधानसभा तो गुंडा रहे उस साहब, हम लोग तो लोकतंत्र में जा रहे थे बढ़िया से शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रखने, वो तो गुंडागर्दी कर दिया। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तमाम भाजपा के वो कार्यकर्ता जिन्हें चोटें लगी हैं, खबरें आ रही हैं कि दो लोगों की मौत भी हुई है जिनको चोट लगी है, तमाम लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। देखिए एक ऐसे ही कार्यकर्ता जो है हमारे साथ हैं, हाथ इनका टूट गया है और इन्हीं से जानेंगे कहाँ पर ये थे और किस किस तरीके से लाठी लगी। क्या नाम है आप? ब्रजेश कुमार सिंह, पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी बिहार भाजपा। सर कहाँ से आए थे? सासार रोहतास जिला, गिरिडीह जिला। तो ब्रजेश जी कहाँ पे चोट लगी है? क्या हाथ में लगा है? हाथ टूट गया। हाथ में तो लगा है, किस जगह पे? इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स पे चोट लगी। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या इमरजेंसी की याद दिला दी? अरे देखिए, चाचा भतीजा का गुंडागर्दी का जो सरकार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो मेरे लॉस मुख्यमंत्री जी हैं, अब उनका दिमाग उमाग काम नहीं कर रहा है, अब विक्षिप्त हो चुके हैं। इसी मेमोरी लेस मुख्यमंत्री के साथ तो आप लोग भी थे? तो हम लोग के साथ थे तो उस समय तक ठीक थे। ठीक है कि आप लोग रखते? नहीं नहीं, दिमाग तो 12 घंटा 24 घंटा के अंदर ना हैक कर जाता है, उसके बाद जे हम लोग सता से हटे तो रात भर सोचते रहे, उसी में उनका मेमोरी लॉस हो गया। और बोलिए कि थोड़ा सा भी कोई मंत्री पर दाग लगता था तो तुरंत इस्तीफा ले देते। यही देखिए, उप मुख्यमंत्री जी पर FIR हो गया, चार्जशीट हो गया और नहीं ले रहे और गाड़ी में बैठा के घुमा रहे। आज आप लोगों ने विधानसभा घेर, नियोजित शिक्षकों के पक्ष में विधानसभा घेरने का रूपरेखा तैयार की थी, तो नियोजित शिक्षकों के लिए लड़ाई तो उस समय भी लड़ी जा सकती थी, आज ही क्यों लड़ाई ये लड़ी गई? अभी नियोजित शिक्षक सभी परेशान थे, राजकर्मी का दर्जा हम लोग का मांग था कि पहले राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, नहीं दे रहे थे। उस टाइम भी आपने जो प्रश्न पूछा, उस टाइम में भी भाजपा इसका अंदरूनी विरोध कर रही थी। अगर भाजपा से अलायंस का टूटा है, अलायंस हमसे अलग हो गई, तो इसका कुछ कारण रहा होगा। आप खुद सोचिए ना, आपने जो यह प्रश्न पूछा तो हम लोग उसका अधिकार का मांग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं विरोध बढ़ते बढ़ते विरोध बढ़ा, जिस वजह से जो है मैडम जो आप मुझे कह रही हैं, इसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा था कि नियोजित कर्मियों को, शिक्षा कर्मियों को, शिक्षकों को भगवान भी जो है सरकारी का दर्जा नहीं दिला सकते। ये आपके पार्टी के, आपके उप मुख्यमंत्री का कहना था। उस समय आप लोग शांत बैठ गईं, अब जब नियोजित शिक्षक अपनी मांग पे अड़े हैं तो उसे देखते हुए अब आप लोग ये विधानसभा घेरो और सब कुछ कर रही हैं। अब बताइए आप सवाल। जी बिल्कुल, आपने सवाल जो पूछा है मैं उसका एकदम अच्छे से उत्तर दूंगी। आप देख पा रहे हैं कि हम जब भी रहे हैं छोटे भाई के दर्जे में रहे हैं। आप एक परिवार में ही चले जाइए भैया, अगर आप दो भाई होंगे, आपके बड़े भाई होंगे, आप छोटे भाई होंगे, तो आप हमेशा ही छोटे भाई के दर्जे में ही रहेंगे। आप हमेशा दुलार और भावपूर्वक ही अपने बड़े भाई को कह सकते हैं कि भैया ये काम करना ज़रूरी है। आप उन पर अपनी बातों को लाद नहीं सकते हैं, जैसे ही आप बातों को लाद नहीं मैडम, तो बड़ा भाई बदमाशी करेगा तो छोटा भाई तो अपना चूल्हा अलग कर सकता है। इसीलिए ना आप देख रहे हैं, अगर आप बिहार में अभी यह खेला देख रहे हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, बार बार जो है बड़े भाई छोटे भाई एक साथ आते हैं और फिर वह मंच अलग हो जाती है। तो यही बात तो आपके जो आपका जो सवाल है, सवाल में ही तो आपको उत्तर मिल गया ना, कि बड़े भाई का जब बड़े भाई छोटे भाई की बातों को नहीं सुनते हैं तब विक्षोभ हो जाता है, यही कारण रहा। यही कारण था जी, बिल्कुल, क्योंकि भाजपा जो है वो न्यायप्रिय पार्टी है, वो सिर्फ न्याय के लिए लड़ती है। भाजपा न्याय के लिए हमेशा लड़ी है और नीतीश कुमार को हमेशा भाजपा ने बड़े भाई का दर्जा दिया, जिसके कारण नीतीश कुमार का मन बहुत आगे बढ़ने लगा और उसी के कारण उन्हें अलग होना पड़ा।
तमाम आप देख रहे हैं भाजपा ऑफिस में गहमा गहमी चल रही है और महिलाएं आ गई। बताइए कितना मकसद कितना हासिल हुआ? मकसद हासिल हुआ कि नीतीश कुमार को तो बद्दुआ लग जाएगा अब राजनीति में बद्दुआ। लोकतंत्र का हत्या हो गया आज। लोकतंत्र में यही होता है, हमको प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है क्या? हम प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण, मेरा एक कार्यकर्ता भी कहीं नहीं है। आप साहब चौराहा पे ठोक दिए पकड़ के, ऐसे ही सरकार चलती है? हम अधिकार, हमको अधिकार नहीं है क्या यहाँ रहने का? यहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जनता भी थी, क्या जनता को अधिकार नहीं है आप उनके विरोध में बोलने का? अगर वो गलत करेंगे तो हमको बोलने का अधिकार नहीं है? आप पकड़ के ठोक दीजिएगा, यही है मुख्यमंत्री आप, यही सरकार चला रहे हैं। अन्य मार्ग में बैठा रहता है, पुलिस को वहाँ खड़ा करके महिला को कहता है कि हम महिला के बहुत बड़ा समर्थक हैं, अब महिला का कपार फोड़वा रहा है। ये तो जो कहा था वो करिए दिया, महिलाओं के कपार फोड़वा दिया, तो इसको याद रखेगा। तो कहते हैं, वो तो कहते हैं कि महिलाओं को उसको अन्य मार्ग में घुस के मारेंगे, वो जो किया है ना उसको घुस के मारेंगे हम लोग। वो याद रखेगा कि महिला कैसे मारती है वो नीतीश कुमार। कुछ भी, हम नीतीश कुमार महिलाओं को सम्मान निश्चित देते हैं, महिला को सम्मान देते हैं। महिला जो मारेगी तब समझ में आएगा कि सम्मान कैसा हम लोग नीतीश कुमार को देंगे। वो हम लोग विधानसभा आप नहीं पहुंच, वो आपको नहीं पहुंचने दिया, आप अड़े मार्ग पहुंचने की बात कर रही हैं। अरे विधानसभा तो गुंडा ना है वो साहब, हम लोग तो लोकतंत्र में जा रहे थे बढ़िया से शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रखने, वो तो गुंडागर्दी कर दिया। मेरा कार्यकर्ता को गोली लग गया, मेरा दो दो कार्यकर्ता मर गया साहब, तो हम क्या करें? नीतीश कुमार को जाकर के वहाँ कैसे चले जाए वहाँ? और आप ही मत चैलेंज हमसे करवाइए, चैलेंज करते हैं कि घुस के मार देंगे। आपको पता नहीं है भाजपा की नारी फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है और घुस के मारेंगे अन्य मार्ग में, याद रखिएगा आप। भारत माता की जय। अन्य मार्ग में 2025 में तो तैयारी कर ली आपने घुसने की? अरे हम तो आज ही तैयारी कर लिए, आप 25 की बात करते हैं, हम आज तैयारी कर लिए, उसको तो 24 में मार देंगे अभी, 25 तो छोड़िए ना, 24 में पिटाई लग जाएगा अभी। आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी महिलाओं का सम्मान करते हैं, आपको याद होगा कि पिछली बार जब अभ्यर्थी आए थे उसमें महिलाएं भी आई थी और उनको किस तरह से रोड पर टांग टांग के मारा गया था, उनका बाल नोच नोच के मारा गया था, और आज फिर उन्होंने वही काम किया है कि महिलाओं को रोड पर उन्होंने मारा है। महिलाओं का क्या दोष था, क्या दोष था? वो जा रही थी, कहीं कोई अराजकता नहीं हो रहा था, कहीं किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो रहा था, हम तो शांतिपूर्ण रूप से अपने मार्च को ले जा रहे थे। मेरे रूट को बदल दिया गया साजिश करके, और उस रूट को बदल करके चारों तरफ से घेर करके कार्यकर्ताओं को मारा गया। हमारे दो कार्यकर्ता गए हैं, इसका खामियाजा बहुत गंदा भुगतना पड़ेगा, ये याद कर लें नीतीश कुमार। नहीं उनकी ईंट से ईंट हम बजा दिए तो फिर वो कहेंगे कि क्या हुआ बना दिया आज, आज आज वही हाल हुआ है, आज वही हाल हुआ है, जलियांवाला कांड याद आया। भाजपा के दो कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए अपनी शहादत आज दी है, और जो कार्यकर्ता आप देख सक रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता जब जहां जहां हैं वहां से जब पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं तो किसको कितनी चोट लगी है उसके लिए दवा की व्यवस्था पार्टी कार्यालय में हो रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जलियांवाला बाग आज जो है बन गया था पटना। शायद पत्रकार भी अछूते नहीं रहे, पत्रकारों पे भी आज नीतीश की पुलिस ने डंडा चलाया है, हमारे भी पत्रकार आशुतोष उपाध्याय पर डंडा चलाया गया है, हम वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। लेकिन आज नीतीश कुमार की पुलिस ने प्रशासन के बल पर जो एक तरह से कह लीजिए कि जो बर्बरतापूर्वक रवैया अपनाया, खास करके जो कैमरे में कैद हुआ कि पुरुष पुलिस वाले भी महिलाओं को पीटते हुए दिखे, ये बड़ा ही लोकतंत्र में अशोभनीय है। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।